चुपचाप बैठ के प्रभु का वचन सुने और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु बोलो मेरे जीवन में परिवर्तन लेके आना प्रभु, और भी हमको प्रभु के साथ चलना है और प्रभु चलना है छोटी सी जीवन में। तो लेट अस प्रे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा दिलों से बातें करेंगे प्रभु, हमारा मन बदलाइए प्रभु जी। दैट बी रिन्यूइंग ऑफ आर माइंड, दैट मे एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आर गुड एंड परफेक्ट इन योर साइट। We praise you, Lord, that you'll speak to our hearts and change us, Lord, that we'll not be the same, Lord, but we'll be changed, Lord. We'll obey you, Lord, we'll repent, change our ways, change our mindset, Lord. Hallelujah. According to your word. In Jesus' name we pray. Amen. So we'll go to the book of Mark. Markus ki susamachar mein jayenge. And the Lord is impressing upon me to share about what Jesus said about the parable of the sower. तो यहाँ पे परमेश्वर मुझे बोल रहे थे कि मैं जो दृष्टांत है बीज बोने वाले का उसके बारे में बात करूं। तो वी नो दिस स्टोरी द पैराबल ऑफ द सोअर वेरी वेल। तो ये जो सिद्धांत जो है जो कहानी जो बीज बोने वाले का है वो हम अच्छे से जानते हैं। इट इज मेंशन थ्री टाइम्स इन द गॉस्पल्स। तो ये जो है तीन बार सुसमाचार में लिखा हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 13, मार्क चैप्टर 4 एंड आई थिंक लूक चैप्टर 8। मत्ती 13, मरकुस 4 और लूका के 8 में। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज़ इट्स रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये बहुत बार दोहराई गई है। एंड जीसस सेड दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराबल। और यीशु मसीह ने कहा कि ये सबसे बड़ी जो है एक सिद्धांत है। वी रीड इन मार्क चैप्टर 4 verse 13. हम पढ़ते हैं मरकुस 4 उसके 13 में। And Jesus said, he said to them, do you not understand this parable? How then will you understand all the other parables? फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह समझते हो तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? So the disciples asked him, what are the meanings? Jesus said, if you cannot understand this parable, you will not understand any other parable. शिष्य ने जो है यीशु को पूछा कि इसका अर्थ क्या है, तो यीशु ने उनको उत्तर दिया कि अगर तुम ये सिद्धांत ये जो दृष्टांत है उसे समझ नहीं पा रहे हो तो बाकी के दृष्टांतों को कैसे समझोगे? So this is the first parable we have to understand and think why did Jesus say these things? और ये पहला दृष्टांत है जो हमें समझना चाहिए और पता करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा। And we know that Jesus told about the sower. तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने बताया बीज बोने वाले के बारे में। And we know the story very well. हम इस कहानी को अच्छे से जानते हैं। You know the story of the first, the sow, when some of the seeds fell on the wayside. और हम जानते हैं कि जब बीज बोने वाला बीज बोता है तो कुछ सड़क के किनारे गिर जाता है बीज। Some of the field seed fell on the rocky ground where there's little soil. और कुछ बीज जो है पथरीले जमीन पर गिरता है जहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी होती है। And the seed that fell on the wayside, the birds in the air came and picked it up. और जो सड़क के किनारे बीज गिर गया उसको जो है पक्षियां और जो है हवा आके उड़ा ले जाती है। And the seed that fell in the rocky soil, they grew very fast, but afterwards, because there was no depth, it got withered away. और जो बीज पथरीले जमीन पर गिरती है क्योंकि वहां पे कम मिट्टी होती है तो जल्दी से वो जो है उग तो जाता है परंतु वो वहीं पे मर जाता है। And the seed that fell among thorns, और जो जो है जंगली झाड़ियों पे जो बीज गिरती है इट ग्रो अप बट कुड नॉट ग्रो मच बिकॉज इट गॉट चोक्ड अप। और वो बढ़ तो जल्दी जाता है वहां से उगता है परंतु वो पाया जाता है बाकी जो कटकटली झाड़ियों से। एंड द सीड दैट फेल ऑन गुड ग्राउंड ग्रो एंड इट गेव लॉट ऑफ फ्रूट 30-fold, 60-fold एंड 100-fold। और जो जो बीज अच्छी जमीन पे गिरती है वो अच्छे से उग जाती है 30 गुना 60 गुना जो है अच्छा फलवंद होता है वो। Now Jesus, the disciples said, came to Jesus and, Lord, please explain to us. We cannot understand what is the meaning of this. और शिष्य जो है यीशु मसीह के पास आकर बोलते हैं कि प्रभु मुझे हमें बताइए हमें समझ में नहीं आ रहा है इसका अर्थ क्या है कहानी का। The people around them also did not understand very well, but Jesus did not explain to the people around them, but only explained it to the disciples. जितने लोग ये कहानी सुन रहे थे उनको भी यीशु मसीह ने सिर्फ अपने चेलों को इस कहानी के विषय में समझाकर बताया। So that is Jesus only explain things to those who want to follow him, they are the disciples. और यीशु मसीह जो है सिर्फ उनको ही बताना चाहते हैं शिष्य है सिर्फ उनको ही बताएंगे। So that is why the Lord will speak to us in great detail about everything. इसलिए प्रभु हमसे बात करेंगे हर एक चीज के बारे में। Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। So then Jesus began to tell them what is the meaning.
और यीशु मसीह कहने लग गए उसका अर्थ क्या है. This is says the verse 14. The sower sows the word. 14 वचन बोने वाला वचन बोता है. The one we hear the word of God when we hear in the meetings. जो वचन हम जो सभा में आकर सुनते हैं. When we read the word of God. हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं जब. Or hear a message. या तो कोई संदेश सुनते हैं. And that's why the word of God can come and we can hear it. और ऐसे ही परमेश्वर का वचन आता है और हम उसे सुनते हैं. Then verse 15 he says he talks about the word the seed that is the word that falls on the wayside. और 15 वचन में प्रभु कहता है जो मार्ग किनारे गिरा हुआ उस बीज के बारे में. It says in verse 15 and these are the ones who by the wayside when the word is sown when they hear Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. जो मार्ग के किनारे के यहाँ वचन बोया जाता है ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है. So the wayside means when people are not paying good attention to the word of God. मार्ग के किनारे का अर्थ ये है कि परमेश्वर के वचनों पर लोग जब अच्छे से ध्यान कर नहीं सुनते हैं. They partly hear the word of God, cannot understand it very much, and after because they cannot understand, they just forget about it. और वो आधा अधूरा वचन को सुनते हैं, वो अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं, तो जल्दी भूल भी जाते हैं. That is why when we hear the word of God, read the word of God, we must be very quiet and listen carefully and pay attentively. इसलिए जब भी हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं पढ़ते हैं तो बहुत ही शांति से बहुत ही ध्यान पूर्वक बैठ के ये काम को करना है. Even if it's 10 minutes, just sit quietly. Don't be in a hurry to read the word of God. अगर 10वीं मिनट हो तो शांति से बैठ लीजिए, जल्दबाजी में पढ़ने की कोशिश ना करें. If you are reading just to complete the portion, don't read like that. Say, Lord, speak to me. अगर आप सिर्फ जो वचन है खत्म करने के लिए पढ़ रहे हैं तो ऐसे मत पढ़िए, बताइए इस वचन से. Read it reverently. और जो है आदर पूर्वक इसे पढ़िए. And don't read it while you're listening to cricket commentary or by soccer commentary or eating your food and all because then you'll get distracted. कोई और चीज को सुनते हुए या खाना खाते हुए वगैरह आप इस वचन को नहीं पढ़िए, नहीं तो ये क्या होगा कि आपके मन में नहीं जाएगा, वो भटका देगा आपको. Like Mary was sitting at the feet of Jesus and listening to the word of God. मरियम जो है यीशु मसीह के चरणों में बैठकर ध्यान से सुन. Sister Martha was in the kitchen trying to hear the word of God, trying to do the cooking at the same time. और उसकी बहन मार्था जो है किचन में खड़ी रहकर काम भी कर. There are a lot of problems in the cooking, the kitchen. This is not working. That is the one. So she was getting very lot of distracted. और क्योंकि किचन में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था कि ये काम कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा, तो उसको बहुत ज्यादा भटक गई. God does not force us to come and listen to the word of God. और परमेश्वर जब हम पे कोई दबाव नहीं डालता कि We want to hear. Jesus said, "Those who have ears to hear, let them hear." प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिनके पास कान हो, वो सुन लें. So that we can hear the word clearly and then act upon it. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन पाएं और उसके ऊपर कार्य कर पाएं. That is why we tell in the meetings also, children, please don't make noise, don't run up and down here, there, and you also don't be a distraction to other people. इसलिए हम सभा में बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चे यहाँ वहाँ जाए भागे नहीं तो आप जो है दूसरे लोगों को भी भटका दोगे. Because that is they are controlled by the devil and they try to distract others from hearing the word of God. क्योंकि वो शैतान के द्वारा निंद्रित किए जाते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को परमेश्वर के वचन से भटका दे. And don't get your attention should be on the word of God on the speaker when he speaks. और जो आपका जो ध्यान है बिल्कुल चाहिए. Once there was a wedding meeting in our CFC. एक बार जो है एक शादी में एक सभा हो रहा था CFC में. And one of the brothers of other church was sitting there in the meeting with, and he was telling, see outside it was that something on the tree. Well, where the message was going on, see that, and he was trying to distract the other brother from our church. और एक भाई जो है सभा में बैठे हुए कह रहा था कि देखो बाहर देखो, उस पेड़ को देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, ऐसे कहते हुए बाकी जो भाई बैठे थे उनको भी भटका रहे थे वो. See, all the time the devil wants to distract us. देखिए हर समय शैतान हमें भटकाना ही चाहता है. And if you distract us, then we will not hear the word of God. अगर वो हमें भटका देगा, तो हम परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाएंगे. That is why in the church, in God's presence, we must be silent. इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में सभा में हमें शांति से बैठना है. Once I'd gone for a CFC wedding somewhere in Madurai.
मैं मदुरई में एक बार सीएफसी की जो शादी हो रही थी वहां पे गया था One of our brothers were getting married. और हमारे एक भाई जो है उनकी शादी हो रही थी And then the message, brother Zach was giving the message. भाई जैक जो है मैं संदेश दे रहे थे And there were a lot of unbelievers who had come. और वहां पे बहुत सारे अविश्वासी आए हुए थे And brother Zach was giving the message and they were busy talking among themselves. भाई जैक वहां पे संदेश सुना रहे थे परंतु वो लोग जो है वहां पे के बातचीत कर रहे थे Because they don't know how to be quiet at all. क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पता कि शांति से कैसे बैठना चाहिए In all their religious functions you see they keep on talking the priest is doing some feras and all these things and all those people are busy talking and chit-chatting with each other. आप देख सकते हैं सारे धार्मिक कामों में जो पुजारी जो होते हैं वो अपना काम वगैरह करते रहते हैं बाकी लोग जो वहां पे बैठे होते हैं वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं बातचीत करते हुए समय को बिताते हैं So we have to instruct these people also please keep quiet please don't keep on chit-chatting among yourselves don't make any comments if you cannot don't want to listen please go out of the room and sit over there. फिर हमें इन लोगों को कहना पड़ा कि आप यहां पे बैठे हो तो शांति से बैठे यहां पे बैठ के बातचीत मत कीजिए अगर आपको नहीं सुनना है तो आप बाहर चले जाइए That is when people come new from other places they will tell them see now you have to come this is the presence of God you have to sit silently and don't talk with each other don't chit chat with each other जब भी कोई बाहर से लोग आते हैं तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि देखिए आप सभा में आए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं तो यहाँ पे शांति से बैठिए बातचीत मत कीजिए बैठकर we have to teach our children also. हमें अपने बच्चों को भी सिखाना होता many है times ये. We have to tell them many times. और हमें उनको बार बार बोलना पड़ता है ये God is watching you, you have to be silent, you have to have the fear of God in your life. और हमें उन्हें कहना होता है कि देखो प्रभु आपको देख रहे कुछ शांति से बैठना है परमेश्वर का डर होना चाहिए आपको Otherwise you will not hear the word of God and you will stop others of people from hearing the word of God नहीं तो क्या होगा कि आप भी परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनोगे और दूसरे लोगों को भी आप Devil tries to attack us with so many things in our mind शैतान जो है हम पर आक्रमण करता है हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजों को डालकर to distract us हमें भटकाने के लिए Don't come to the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति मत आओ And if you come to presence of God, don't listen. अगर आप प्रभु की उपस्थिति में आए हो तो सुनो मत He'll tell them, think about what is going to happen today. So final is going to be hell. No, there is going to be hell. Argentina versus. Think about those things. वो कहेगा कि आज क्या होने वाला है? देखो आखिरी का जो final है, वो होने वाला है अर्जेंटीना का match होने वाला है. उसके बारे में सोचो. No, you're thinking about Argentina versus who's our other team? I think France. You will never hear the word of God. अगर आप अर्जेंटीना versus France के बारे में ही सोचते रहोगे, तो आप परमेश्वर का वचन. I had one nephew of mine. मेरा एक nephew है. And he got converted. और उसका जो है उद्धार हुआ And he was very enthusiastic. और बहुत ही उत्साहित था वो He was not coming to our church, he was going to some other church. वो हमारी कलीसिया में नहीं आ रहा था कोई और कलीसिया में जा रहा था And they were going to a church, I think the brethren church was they were very strong on the word of God. They used to teach that teach much detail about the word of God. वो ब्रदरन की कलीसिया में जा रहे थे वो परमेश्वर के वचन को लेके बहुत ही जो है सख्त रहते हैं वो परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान पूर्वक सिखाते हैं. And he used to talk to me about big things. This is a dispensation, the last dispensation. I also could not understand what he was saying. और वो जो है बड़ी बड़ी चीजों के बारे में मुझसे बात करते थे मुझे भी समझ में नहीं आता था कि वो Sunday morning he went for his own meeting in the church. और एक बार रविवार की सुबह वो अपने कलीसिया में गए सभा के लिए और हमें देखने के लिए शाम को हमारे घर में आए वो And we had finished the meeting. हमारी सभा खत्म हो चुकी थी तब Then I said hello to him. I said, "What was shared in your church in the today Sunday meeting? What is the message about?" मैंने उसको पूछा कि आज जो रविवार की सभा हुई वहाँ पे संदेश क्या सुनाया गया था? What was something about? What can you tell something about it? आज की जो संदेश था उसके बारे में कुछ तो आप मुझे बता सकते हैं क्या? He started thinking and thinking. और वो भाई जो है सोचने लग गए He could not remember even one thing. और वो जो है एक भी बात को याद नहीं कर पाए. Not one verse, not Nothing he could remember, no title, nothing he could remember. एक शीर्षक भी नहीं वचन भी नहीं कुछ भी नहीं याद कर पाए वो So what was he doing in the church meeting? और सभा की सभा में बैठकर वो क्या कर रहे थे He was thinking of something else. ये वो कुछ और चीज के बारे में सोच रहे थे He was a believer. और वो एक विश्वासी है He looked at him and he was looking at me. मैं उसको देख रहा था वो मुझे देख रहा था Then we had to change the topic. फिर हमने जो है बात बदल दी वहां This is an embarrassing thing. बहुत ही शर्मनाक बात थी ये And he claimed to be a zealous believer in Christ. और वो बोलता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह में What has happened to this guy? मैं सोचने लग गया कि ये भाई को क्या हो गया I've been thinking something else.
हो सकता है कि किसी और चीज के बारे में ये सोच रहा था वहां पे. मैसेज वाज बोरिंग. हो सकता है संदेश बहुत बोरिंग था. नॉट रिमेंबर इवन वन वर्ड ऑफ द मैसेज इज समथिंग वेरी 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 दैट मींस ही वाज कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड. परमेश्वर परंतु एक तो वचन से बात करते हैं परंतु ये जो That's why the devil had come and taken the word of God completely from his mind and heart. इसलिए शैतान आकर उसके मन से दिमाग से जो परमेश्वर का वचन है पूरी तरह उठा ले जाता है. That is why we must be completely attentive when we read the word of God and hear the message of God. इसलिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक रहना है जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या तो फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं. And later on we must think about it. और उसके बाद हमें उसके बारे में मनन करना चाहिए. अगर आप सांसारिक चीजों के बारे में चिंता करते रहोगे यहाँ वहाँ सोचते रहोगे तो परमेश्वर के वचन के बारे में बिल्कुल आपको And we will never grow. और हम बढ़ेंगे नहीं. That has happened to so many people in this world. इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ ये हो चुका है. There are so many people who go on Sunday morning churches. They just go warm the seats and come back. और बहुत सारे लोग हैं जी रविवार की सभा सुबह सभा में जाते हैं वहाँ पे जाते हैं और वापस ऐसे ही लौट आते हैं. The devil put so many thoughts and interesting thoughts and ideas and sometimes not sinful, sometimes not sinful. और शैतान जो है बहुत सारे विचार उनके मन में डालता है कुछ पाप में होता है कुछ पाप के नहीं होते हैं. What I'm going to eat now today afternoon? आज के दोपहर को मैं क्या खाना खाऊंगा. It'll put in your mind. वो आके आपके दिमाग में डाल देगा. And we'll accept the thought and thinking about those things. और आप जो है इसी चीज के बारे में सोचते रहोगे संदेश को छोड़कर. This is the tactic of the devil. ये शैतान की चालाकी है. And he has taken the word of God from your mouth, out of your mind. और उसने आपके दिमाग से परमेश्वर के वचन को निकाल दिया. And this is how the devil, people don't think about the word of God and that's why they go in the worldly way and fall into all sorts of sin. इस प्रकार वो परमेश्वर के वचनों को संसारिक मार्गों में चले जाते हैं. And that is why we must not get distracted. Even the loud music, some of the churches play such a loud music, they cannot hear the word of God. और कहीं कलीसिया में ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो आवाज के साथ गीत को लगाया जाता है उसके कारण जो है परमेश्वर के वचन को हम सुन नहीं पाते. They say, today the guitar is not playing properly, the tambourine is too loud, the drums, bongos are too loud. Thinking about the type of music that is played, we will not hear the words of the song. और हम क्या सोचेंगे आज का गिटार जो बज रहा था वो बहुत अच्छा बज रहा था जो भी संगीत के उपकरण है उसके जो आवाज है बहुत अच्छे थे इसके बारे में सोचने हम लग जाएंगे इसके बारे में हमारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा. When we sing a song, we have to pay attention not to the music but to the words of the song. जब भी हम कोई गीत गाते हैं तो उसके संगीत के ऊपर हमें ध्यान नहीं लगाना है परंतु जो संगीत के जो शब्द है उसके ऊपर जो है हमें ध्यान लगाना है. Most believers are very interested in a good tune. और बहुत सारे विश्वासी जो है बहुत से दिलचस्प रहते हैं अच्छे संगीत के विषय में. But these good songs should penetrate our heart and challenge our hearts. और जो अच्छी गीत जो होनी चाहिए हमारे हृदय के गहराइयों में होनी चाहिए जाना चाहिए वो हमें चुनौती देनी चाहिए. We sing these songs here, why? So that we can go back home and sing the songs again. देखिए हम यहाँ पे गीत क्यों गाते हैं ताकि हम यहाँ पे सुनकर घर पे जाएं वापस ये गीत जो है हमारे मन में. Sing many of these songs. Written by very godly people who had a great interest for God. हम ये जो गीत लगाते हैं बहुत सारे परमेश्वर के अच्छे जन के द्वारा लिखे गए हैं जो बहुत ही ईश्वरीय हैं. Many songs like by Fanny Crosby, who was a blind lady who wrote so many good songs. She had a heart for God. और फैनी क्रॉसबी करके एक अंधी महिला थी वो परमेश्वर की परमेश्वर के लिए और जैसे ही हम इस गीतों को गाते जाएंगे देखो बदलता जाएगा. And easy to remember songs. और बहुत ही आसान होता है गीतों को. One song if we learn, no, then we can sing it over and over again while we are in the train, while in the bus, while we are working, we can sing those songs. जब भी हम एक गीत को सीख लेते हैं तो हम जब काम करते होंगे बस में जाते होंगे ट्रेन में जाते होंगे घर पे होंगे तो हर जगह हम इस गीत को गाते जाएंगे. So even though we cannot have good tune, we can still sing on our heart. भले ही हमारा जो गीत है बहुत अच्छा नहीं होगा फिर भी हम जो है हृदय से इसे गा सकते हैं. So that's why we must to prevent that the devil from taking to our heart. Always put our vision on the Lord. Sit next to the Lord. Say, the Lord is sitting next to me. I am going to pay attention to what God is saying. इसलिए हमें हमेशा जो है प्रभु के पास ध्यान लगाना और कहना है कि प्रभु मेरे पास बैठे हैं तो मुझे ध्यान पूर्वक उनकी ओर ही सुनना है. Jesus is sitting here.
यीशु यहाँ पे बैठे हैं and he's speaking to you and me. वो मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं. Maybe just somebody comes, some guest comes to your house and you don't sit there and go around giving all sorts of food. What that guest will think about you? अगर कोई मेहमान आपके घर में आ जाता है, मेहमान वहाँ पे बैठा हुआ है, परंतु आप यहाँ वहाँ चले जाते हो खाना बनाने के लिए, तो मेहमान आपके बारे में क्या सोचेगा? The guest wants to speak to you and he wants to hear you speak. और मेहमान जो है आपसे बात करना चाहता है और वो चाहता है कि आप भी उससे बात करें. They don't just come to eat. वो सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आए हैं. They come to have fellowship. वो संगति करने के लिए आए हैं. And the devil always wants to break fellowship with our fellowship with God. शैतान जो है हमेशा ये कोशिश करता है कि हमारे तोड़ने. So beware of distractions. Of distractions. इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है ये भटकाने से. And second type of seed, the sower sowed, some fell, it says, on the ground that was verse 16. 16 वचन. These likewise are the ones who sown on stony ground, who when they heard the word immediately receive it with gladness. In 17, when they have no root in themselves, and so endure only for a time, and afterwards when tribulation and persecutions arise for the word's sake, immediately they stumble and fall away. और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं. इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं. So Jesus is speaking about different types of people, they are believers, non-believers, how they word, hear the word of God. यीशु मसीह यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में बोल रहे हैं, विश्वासी अविश्वासी, वो कैसे वचन को सुनते हैं. So Jesus spoke about these people who the seed falling on stony ground with a very little soil on top. यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं जो पथरीली भूमि पर बोया हुआ बीज के बारे में, जो जहाँ पर मिट्टी जो है बहुत कम होती है. That means people are very superficial. इसका अर्थ है कि लोग जो है अंधविश्वासी होते हैं. Yes, God is healed, he able to heal me and healing me. Hallelujah, praise the Lord. हाँ, प्रभु मुझे चंगा कर रहे हैं, करेंगे. हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो. And God will take me to heaven. Hallelujah, praise the Lord. और प्रभु मुझे स्वर्ग में लेके जाएंगे. हालेलुया. Jesus, when we give the gospel, you know, see, this is going to be a difficult way. People will harass you. People, you'll have to bear all sorts of sufferings for my sake. जब प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने देखो मेरे पीछे आना इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है. इसके कारण लोग तुम्हें बहुत क्लेश होगा, लोग तुम्हें बहुत सताएंगे. You lose many of your friends and relatives. आपके जो रिश्तेदार है, आपके जो मित्र है, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे. So what are you following Jesus? वो कहेंगे कि तुम यीशु का क्यों पीछा करते हो. You may lose your property also. आपकी जो धन संपत्ति है वो भी खो दोगे आप. There are people who are sitting here, they said, no, we will not give you the property of this village, you cannot come and mix with us. कुछ लोगों को ऐसा भी कहा गया है कि अभी हमारी जो धन संपत्ति है वो हम आपको देंगे नहीं, ये गांव में आप प्रवेश भी नहीं कर सकते. There are many believers and many people who say, how can I not have my relatives and friends and property? I want them. I want the Lord also. बहुत सारे विश्वासी ये कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार को, मेरे मित्र को, मेरे धन संपत्ति को मैं कैसे छोड़ू, मुझे मेरे रिश्तेदार भी चाहिए. Then they keep on compromising and compromising and compromising. आगे क्या होता है कि वो हमेशा समझौते पे समझते हैं. And they get dried up. और वो सूख जाते हैं. There's lot of believers who are sitting in the churches who are spiritually dried up completely. बहुत सारे विश्वासी हैं जो कलीसिया में बैठे हुए हैं, वो आत्मिक रूप में सूख चुके हैं. Because they don't want to face troubles at all. क्योंकि वो कष्टों को बिल्कुल झेलना ही नहीं चाहते. The Lord said, if you follow me, you will have lot of troubles. प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरा पीछा करो. Jesus himself had so many troubles. यीशु मसीह को स्वयं को बहुत सारे क्लेश हुए. From all the religious people as well as from his own relatives and friends and everybody. अधार्मिक लोगों के साथ भी हुए, अपने रिश्तेदारों से. And when Jesus died, nobody was there with him. जब यीशु मसीह मरे तो उनके साथ कोई भी नहीं था. All the people whom he healed and blessed, everybody ran away. जितने लोगों को उन्हें चंगाई दी थी और उन्होंने आशीष किए थे, सब लोग भाग चुके वहाँ से. His own disciples also ran away. उनके स्वयं के जो शिष्य हैं, वो भी भाग गए वहाँ से. That will happen to you and me also if we follow the Lord. ये हमारे मेरे साथ और आपके साथ भी होगा. But only one person not fall. Will not betray you. That is, Jesus will always be with you. एक ही व्यक्ति है जो आपको धोखा नहीं देगा, वो यीशु मसीह है जो आपके साथ हमेशा रहेंगे. There are so many believers who have said, Lord, I will die for you. They have been burned to death. They have been killed.
But they said, I want Jesus for all eternity. I'm going to be there for the Lord. And the Lord has filled them with the Holy Spirit. And they were singing and praising the Lord. बहुत सारे विश्वासी हैं जो प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हुए. उनको जलाया गया, शेरों के सामने फेंका गया. परंतु ये सारे क्लेशों में भी वो अंत तक सहते कि प्रभु की स्तुति करते हुए वो आगे बढ़ते गए. They did not say, oh my, hi, hi. But they said, hallelujah, hallelujah, while they were suffering. वो लोग ने हाय हाय नहीं कहा. वो जब Nobody supporting me. कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा. Let nobody support you. The Lord is there with you. अगर कोई भी आपका साथ नहीं देता है तो कोई बात नहीं. प्रभु. We are not willing to endure persecution and trouble. You better give up and go somewhere in the world. अगर आप जो है कष्ट और मुसीबत को झेलने की Jesus told the rich young man, he was not willing to give up his riches because then he will lose all his friends. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो युवक व्यक्ति था वो अपने धन संपत्ति बिल्कुल भी सबको बांटना नहीं चाहता था. नहीं तो क्या. The Lord says, those who will bear, willing to bear my cross daily, they will follow me. यीशु ने कहा कि जो मेरा क्रूस उठा के चलना चाहता है प्रतिदिन वो मेरा पीछा करेगा. But the Lord will stand by you. प्रभु आपके साथ रहेंगे हमेशा. He will take care of your family needs and whatever is required, he will help you and your need also. और प्रभु आपके परिवार की ध्यान रखेगा. आपकी जितनी भी जरूरत की बातें हैं सबका ध्यान रखेगा. आपकी मदद करेंगे. My case, I found that many of my relatives, they were just believers only in name. They used to get very offended with me. और मैंने ऐसे पाया कि मेरे रिश्तेदार रिश्तेदार में से बहुत सारे लोग जो है नाम के लिए मसीह थे मुझसे बहुत नाराज हो गए थे. वो They didn't want to become born again and change their lifestyle. वो जो है नया जन्म नहीं पाना चाहते थे. अपना जीवन शैली बदलना नहीं चाहते थे. Some of them called me Osama bin Laden, you bring division in the family. और कुछ लोगों ने तो मुझे ओसामा बिन लादेन कह दिया. परिवार में You are the worst person. तुम तो सबसे बदतर व्यक्ति हो. This is not the way the Christian should be. ऐसे एक मसीही नहीं होना चाहिए. I tell this is the way the Bible is written. मैंने कहा कि बाइबल में तो ऐसे ही लिखा है. But they don't want to listen. परंतु वो सुनना नहीं चाहते थे. And but because of that, we will. We can stand for the Lord in the Lord's presence, and the joy will be much upon our lives. और फिर हम जब प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहे. बहुत We must not give up with the times when there are a lot of hostilities and opposition to us. जब भी कोई भी हमारे विरोध में खड़े होता है तो हमें जो है वहाँ पे हियाव नहीं छोड़ना चाहिए. Jesus had his own problem with his mother and brothers and sisters. They thought he was mad. और यीशु मसीह की स्वयं की समस्या थी कि उसके जो भाई बहन उसे सोच रहे थे कि ये तो पागल है. And Jesus said, "Who is my mother? Who are my brothers and sisters? They are the ones who do the will of God." यीशु मसीह ने कहा कि मेरी माता, मेरा भाई, मेरा And because Jesus took a stand, later on they all most of them came to the Lord. और क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसे खड़ा रहे अपने स्थिर स्थान पर आगे को जो है प्रभु को स्वीकार लिए. There should be at least one person who can take a stand for the Lord. तो प्रभु के लिए अगर कोई भी एक व्यक्ति रह सकता है तो ये होगा. And the people will see, yeah, this person is worth willing to risk his life for his faith. और फिर लोग देखेंगे कि अपने विश्वास के लिए ये जो व्यक्ति है अपने जान को भी खतरे में डाल रहा है. But Jesus said there are people who will just give up when the troubles come. यीशु मसीह ने कहा कि लोग ऐसे भी होंगे जब उनके जीवन में क्लेश आएगा तो ही आप छोड़ देंगे वो. Then Jesus told about a third variety about people in verse 18. फिर 18वें वचन में यीशु मसीह ने तीसरे लोगों के बारे में कहा. Mark chapter 4 verse 18. मरकुस 4 उसका 18. Now these are the ones sown among thorns. They are the ones who hear the word. And verse 19, and the cares of this world and the deceitfulness of riches and the desire for other things entering in choke the word and it becomes unfruitful. और जो झाड़ियों में बोए गए हैं वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उन्हें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है. Now this seed was a good seed, a good ground. देखिए ये जो जमीन थी अच्छी जमीन थी. But there was all sorts of thorny plants and all the weeds and the rubbish was also growing all side by side. तो यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे काट के झाड़े का जो कटीले झाड़ियाँ थी और ऐसे उसके साथ ही बढ़ रही थी वो. Now good plants are tender plants. They require a lot of nutrition and the other plants, the thorny plants and the weeds take up all the good nutrition from the soil. देखिए ये जो पौधा है छोटा सा पौधा जो बड़ा होता है बहुत ही कमजोर होता है तो उसको बहुत ज्यादा पोषण चाहिए होता है. परंतु उसके आजू बाजू की जो झाड़ियां होती है उसको जो पोषण मिलना चाहिए वो उनकी ओर खींच
है। So the believer has love for pleasures and love for earthly things and for money and so many worldly desires, then the spiritual life will not grow and will come very very thin and small. अगर एक विश्वासी के अंदर दुनिया के लिए अभिलाषाएं, पैसे कमाने की अभिलाषा, बहुत सारी और भी इच्छाएं होंगी, तो उनका जो आत्मिक जीवन रहेगा वो बहुत नहीं। All those who do some little gardening or some live in the farms, they know that they have to remove all these thorns and these weeds out before they plant the rice or the wheat or some flowers in the ground. जिसको भी अनुभव होगा, जिन्होंने झाड़ पौधे वगैरह लगाए होंगे, तो उन्हें पता है कि कैसे जो है वो झाड़ को जब उगते हैं तो उसके आजू बाजू जो झाड़ियाँ उगती है तो उन्हें कैसे निकाल के फेंकना होता है, साफ करना होता है। But if you say these are very small things, will not make much harm. तो अगर हम कहें कि ये तो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, इससे तो कोई हानि The roots of these plants are very strong. परंतु ये झाड़ियों की जो जड़ होती है बहुत मजबूत होती हैं। They will spread very fast and they will take all the good things of the soil and give very little for the good plant. वो क्या करेंगे कि झाड़ियों से बहुत ही फैल जाएंगी और जितना पोषण ये पौधों को मिलना चाहिए वो अपनी ओर खींच खींच लेंगी। That is why we have to be careful when the small weeds come and take it out quickly and throw it out. इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है, जब भी जंगली झाड़ उगता है तो जल्दी से उसे निकाल के फेंक देना है। I do some gardening in my balcony and I find that when we have to constantly keep on checking whether weeds have come. मेरे बालकनी में मैं झाड़ पौधे लगाता हूँ तो लगातार मैं देखता रहता हूँ कि क्या जंगली झाड़ियाँ वगैरह उसमें उग तो नहीं जा रही हैं। When I take out some, after some time, some more come. अगर मैं कुछ निकाल भी देता हूँ तो कुछ समय बाद वहाँ Where they come, I only don't know. और कहाँ से आते हैं मुझे भी नहीं पता। So different small grasses here and there and some other weeds. और छोटी छोटी झाड़ियाँ यहाँ वहाँ होती है वो। And I've seen these plants are very strong in their roots. और मैंने देखा है कि ये जो जंगली झाड़ियाँ होती हैं उनके जो जड़ होते हैं बहुत To take them out is very difficult. उनको निकाल के फेंकना भी बहुत मुश्किल है। Once I delayed for some time. एक बार मेरी देरी हो गई थी निकालने में। And that plant is still there. When I take it out again, it comes from the same root. The roots are so strong, it comes out. और मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा था झाड़ियों को, तो उसका जो जड़ है इतना मजबूत है कि उसके साथ निकल नहीं आ रहा था। The only thing is to completely take both the plant and things together and remove the things. That is a big trouble. और एक ही चारा बचा था कि दोनों जो पौधे हैं उनको बाहर निकालना पड़ा, फिर उनको अलग करके उसको जंगली झाड़ को बाहर फेंकना पड़ा। That is why the more and more we keep allow these love for the world and the love for money and the desires of the world, we keep on thinking about these things. We cannot think about the word of God. इसलिए हम देखते हैं कि पैसों का प्रेम, दुनिया के प्रेम, ये सारी बातों में अगर लगातार सोचते रहेंगे तो परमेश्वर के वचन के बारे में हम सुन नहीं समझ नहीं पाएंगे। There is no place in our mind to think about God's word. और हमारे दिमाग में जगह ही नहीं होगा कि हम परमेश्वर के वचन के बारे All think about how to make more gold, how to increase our bank balance, how to think about sexual things, how to think about going for holidays. These are the things that fills the minds of all the unbelievers. सारे अविश्वासियों का जो दिमाग है वो किससे भरा हुआ है? पैसे कैसे बनाए जाए, सोने कैसे जमा किए जाए, पैसे कैसे जमा किए जाए, और जो लैंगिक बातें हैं उसमें कैसे ज्यादा जाया जाए, और घूमने फिरने कैसे जाया जाए, ये सारा दिमाग में भरा हुआ होता है। But they're sincere, they want to follow the Lord, but they want these things also to come into their minds. परंतु वो ईमानदार होते हैं, वो प्रभु का पीछा भी करना चाहते हैं, परंतु ये सारी चीजें में रखे रहते हैं। So what they have to do, they have to take out these rubbish and say, let the word of God, these things come to our mind and I want to think about these things. तो उनको क्या करना चाहिए कि ये जो दिमाग है उसको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु का वचन अभी मन में ज्यादा से ज्यादा आने दो। We know about his brother called David Wilkerson who did a great work among all the drug addicts in America. हम डेविड विल्कसन भाई के बारे में जानते हैं जिन्होंने अमेरिका में जो नशा करते हैं उनके पीछे बहुत बड़ा कार्य किया And है। he was a pastor also. वो एक पासबान भी थे। But he was a good person, but he had no depth in his own life. और वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उनके जीवन में कोई जो He was spending a lot of time watching the TV. और वो अपने समय को ज्यादा गवा रहे थे टीवी को देखते हुए। Nowadays people spend a lot of time on Facebook and I don't know what WhatsApp and all the other things. आजकल के लोग जो हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में बहुत समय बिताते हैं। Because of that, they have no time to spend on the word of God. इसी के कारण उनके पास परमेश्वर के वचन इनसे पूछो टाइम ही नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है।
तो है, व्हाट्सएप देखने के लिए घंटों तक देख सकता है, इसका देख सकता है, यू सी सो मेनी अदर थिंग्स, बट देयर नो टाइम टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड थिंक अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। वो बहुत सारे चीजों में अपने समय को बिता सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, उसके ऊपर मनन करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। सो टाइम टू चिट चैट विद योर फ्रेंड्स अबाउट पॉलिटिक्स एंड अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स। उनके पास समय होता है अपने मित्रों के साथ राजनीति के बारे में बात करें, या तो फिर बाकी सारी चीजों के बारे में गपशप करते बैठे। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू से नो नो, आई हैव गॉट नो टाइम नाउ, आई एम वेरी बिजी। और तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास अभी समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ अब। कम कम फॉर, लेट अस गो आउट। वो कहेंगे कि आओ हम बाहर जाएंगे। माय मेन इंटरेस्ट इज गॉड फर्स्ट एंड देन लेटर ऑन इफ आई हैव टाइम आई विल इवन हार्मलेस थिंग्स आई विल देन ओनली आई विल डू दोस थिंग्स। मेरा जो सबसे मुख्य बात है कि मैं परमेश्वर के वचनों पर अपने समय को बिताऊं। अगर मेरे पास उसके बाद थोड़ा सा समय बचता है तो जो हानिकारक नहीं है ऐसी चीजों में मैं जा सकता हूं। डेविड विल्कसन वुड वॉच द टीवी बट ही वुड नॉट, ही वॉच द न्यूज एंड गुड चैनल्स, ही वुड नॉट वॉच द बैड थिंग्स एट ऑल। और डेविड विल्कसन जो टीवी देख रहे थे वो स्पोर्ट्स या तो फिर जो खबरें हैं वो देखते थे, बुरी चीजें नहीं देख रहे थे। समटाइम्स वी कैन वॉच लॉट ऑफ स्पोर्ट्स आल्सो, तो कई बार हम जो खेल कूद भी देख सकते हैं। बट ही न्यू दैट because of that he was not able to spend much time with the word of god and prayer. वो जानते थे कि इस चीज के कारण ही वो परमेश्वर वचनों में समय नहीं बिता पा रहे हैं, प्रार्थना में समय नहीं बिता पा रहे हैं। so he locked up the tv and put it in the storeroom. और उन्होंने क्या किया, टीवी को उठाकर जो डाल दिया। and then he found that he got lot of time to read and because of that he knew the word of god very well. और उससे ने पता चला कि उनके पास बहुत समय था और परमेश्वर के वचनों में पढ़ पाए वो, और समझ बहुत अच्छे से पाए परमेश्वर के वचन को। the word of god was coming to his mind. परमेश्वर का वचन उनके मन में आता ही जा रहा था। the word of god will come in our dreams also. और परमेश्वर का वचन हमारे स्वप्न में भी है। and that's how he became, god used him so well. ऐसे ही परमेश्वर ने उनका बहुत बड़े तरीके से इस्तेमाल किया। just stopping the tv. Sorry? Just stopping the TV. और टीवी को बंद कर सिर्फ। Many children also have wasted their time and they've got such poor marks because they're watching TV all the time and cricket commentary whole day. और बच्चों ने भी ऐसे ही अपने समय को बर्बाद किया है, और जो क्लास में जो अंग है वो उन्हें कम मिले हैं इसके कारण। Because of that they get a very low percentage. उसके कारण उनके जो क्लास में जो प्रतिशत आते। These are the weeds and the thorns in our Christian lives. तो ये हमारे मसीही जीवन की जंगली झाड़ियाँ होती हैं। They are growing, but very slow, very thin. और वो बढ़ रहे हैं बहुत ही धीरे-धीरे। You know, sometimes you see beggars on the road. They look very thin. They are not able to praise God. They don't thank God. Always sad and gloomy. कई बार हम सड़क के किनारे भिखारियों को देखते हैं, वो पतले होते हैं, बहुत ही उदास दिखाई देते हैं, वो परमेश्वर का धन्यवाद या प्रार्थना कुछ कर नहीं पाते। The Lord wants us always to be joyful and rejoicing. और परमेश्वर का प्रेम ये है कि परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहें। And always be at peace. Lord, I thank you that you are in control of my life. I don't know what the future is, but you have said you are going to control my life. That's why I've got peace in my life. और परमेश्वर में हमेशा मुझे शांति रहती है, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर का जो नियंत्रण है मेरे जीवन के ऊपर है। मुझे आगे के बारे में पता नहीं है, परंतु प्रभु जानता है कि मेरे आगे भविष्य में क्या होगा। परमेश्वर का नियंत्रण उसके ऊपर है। I've got love in my heart because God loves me and I've got no bitterness and I forgive everybody. और मेरे अंदर प्रेम बसा हुआ है क्योंकि मेरे मन में दूसरों के लिए कोई कड़वाहट, कोई दुख की बात नहीं। So many people have cheated me, have done wrong things to me, but I don't remember it because I have removed all these distractions and put it to God. और बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे धोखा दिया है, बहुत सारे खराब चीज मेरे लिए किया है, परंतु मैं उसे याद नहीं रखता हूँ क्योंकि मैंने सारी चीजें प्रभु के ऊपर डाल। People keep anger and bitterness and unforgiveness in their life, all their life. Many believers also, many Christians. बहुत सारे मसीही विश्वासी जो होते हैं, उनके मन में जीवन भर गुस्सा है, बदले की भावना जो है वो रखे रहते हैं। And they continue it, they even go to hell if they die like that. अगर ऐसे ही वो लगातार जीते रहेंगे जब उनकी मृत्यु। On worrying about tomorrow and what will happen and so much all tensions. और कल के बारे में हमेशा चिंता करते रहना है कि कल क्या। See, Christians, we go through a lot of problems in our own life. देखिए मसीह होने के कारण हमारे जीवन में बहुत से हैं। One thing always released me and helped me so much. एक बात जो है मुझे हमेशा जो है मदद करती है, मुझे छुटकारा देती है। Jesus told that woman, she did her best. और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा कि उसने उत्तम किया। She did what she could. Sorry? She did what she could. और उसे जो हो सकता था उसने वो लिया। In your job, in your work at home, or in the office, you must do what you can do to the best of your ability.
आपके दफ्तर में, आपके घर में, आप जो काम अच्छे से कर पाते हो, जो आप कर पाते हो, वो बेहतर कीजिए। Your boss will give you 5 out of 10। आपके बॉस जो है, हो सकता है कि 10 में से आपको सिर्फ 5 ही दें। Or even fail। या तो फिर या असफल रहे आप। But the Lord Jesus will give you 100 out of 100। परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको जो है 100 में से 100 देंगे। God is very good at giving marks। देखिए परमेश्वर जो है अंक देने में बहुत अच्छे हैं। He looks at the heart, how you are doing your work। वो अपने हृदय को देखते हैं कि आप अपना You're doing for the Lord says, I will take care of you. Don't worry, you're getting 100 out of 100. अगर आप प्रभु के लिए करते हैं तो प्रभु कहेंगे तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत ध्यान रखूंगा मैं तुम्हें 100 में से 100 देता हूँ। See people in the office and all these people, they are so jealous and they just keep on criticizing because that their job and they are controlled by the devil. देखिए इस ऑफिस में जो लोग दफ्तर में लोग रहते हैं वो जलन रखते हैं तो ये वो करते रहेंगे वो आपके दोष आपको दोष लगाते रहेंगे क्योंकि वो शैतान के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। Christian should may not be the cleverest person in the job. Can be ordinary because he does, but he does the job well with good hard work. हो सकता है मसीह जो है अपने काम करने में ज्यादा बुद्धिमान नहीं है परंतु वो अपने मन से काम करता है जो भी करता है अपना उत्तम देके वो करता है. So many Christians are very lazy. बहुत सारे मसीह ऐसे भी होते हैं जो आलसी हैं. Waste their time in the office. वो आप दफ्तर में अपने समय को बर्बाद करते हैं. Because they are punished. इसके कारण उनको दंड भी मिलता है. And some people just keep on praying in the office and start witnessing to other people and using the office time to tell the gospel. कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि जो ऑफिस का समय रहता है वहाँ पे प्रार्थना करते रहते हैं या तो फिर गवाही देते रहते हैं जहाँ पे ऑफिस का काम करना चाहिए वहाँ पे ये सारे काम करते हैं. This is acting very super special and because of that they get punished by their boss. ये जो काम है वो अंधविश्वास का काम है इसके कारण जो है बॉस के द्वारा उनको दंड भी मिलता है. The boss is paying you for doing the work. और जो बॉस जो है आपको जो है काम करने से निकाल देंगे आपको. And if work is not proper, then you can get fired. अगर आपका काम जो है सही तरीके से आप नहीं करते हो तो आपको काम से निकाल भी दिया जाएगा. So when we are at a work, do the work to the best of our ability. जो भी आपको काम दिया जाता है वो काम को जितना rest of the problems you commit to the Lord, say Lord, you will handle everything. और बाकी की समस्याएं परमेश्वर के हाथ में सौंप You may not get much praises from people around you, but they'll know that you are hardworking and do the work sincerely. हो सकता है कि आसपास के लोग आपको ज़्यादा सराहेंगे नहीं, परंतु वो जानेंगे कि आप मेहनती हैं और आपका काम जो है आप दिल से करते हो. But if you keep on having all these desire for the worldly things and all these worldly pleasures and love for money, that will choke the word of God, choke the desire for God in our life. अगर आप पैसों के प्रति प्रेम रखोगे दुनिया के प्रति अभिलाषाओं के प्रति जो है प्रेम अपने मन में रखे रहोगे तो क्या होगा परमेश्वर के वचन को ये सारी अभिलाषाएं दबा देगा. We will not feel like reading the word of God, we will not feel like praying, we will not feel like coming for the meetings also. हमें परमेश्वर के वचन पढ़ने को अच्छा नहीं लगेगा हमें प्रार्थना करने का मन नहीं होगा सभा में आने का भी मन नहीं होगा. See, Sunday morning meetings, you should be in the church. देखिए रविवार की सभा की सुबह आपको कलीसिया में होना चाहिए. And if relatives also come to the church, please come to the church with us. अगर आप आपके रिश्तेदार भी आ जाते हैं तो उनको कहना चाहिए चलो हम साथ में कलीसिया में जाते हैं. There are so many believers, we just keep on compromising. बहुत सारे विश्वासी अब भी क्या करते हैं समझौता करते ही रहते हैं. Just ask a Muslim person. जाकर एक मुस्लिम व्यक्ति से पूछिए. Tell him don't go to your prayer and namaz today. और उनको जाके कहे कि आज आप नमाज मत पढ़ो. And sit with me and make food for me. आज मेरे साथ बैठकर खाना बनाओ. You'll be lucky if you don't get a slap. आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे अगर आपको चमाटा नहीं मिला. People, the children of God, they compromise on every small possible thing. और परमेश्वर के संतान ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी चीजों में भी समझौता कर लेते हैं. Not saying that somebody falls sick in the home and you look after them, but small small things we can't compromise because of that the desire for God goes away from our life. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई घर में बीमार पड़ता है तो उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए परंतु लोग जो है बाकी छोटी छोटी चीजों को लेकर समझौता कर लेते हैं और परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं. When you're free, give your time for the Lord. जब आपके पास समय होता है तो परमेश्वर को अपना समय दीजिए. When you come to the meeting, encourage one another, do some work. और जब आप सभा में आते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहित कीजिए. Come on time. समय पर आने की कोशिश कीजिए. And then the Lord will bless you. और फिर प्रभु आपको आशीष करेंगे. Your spiritual joy and peace and love will keep on increasing. आपकी आत्मिक शांति आनंद प्रेम जो है वो बढ़ता जाएगा. This is how Jesus lived. ऐसे ही यीशु मसीह जिए. When he was 12 years also he was speaking. He had such a lot of knowledge of the word of God. He didn't have a Bible in his hand but he remembered everything. जब वो 12 साल की उम्र के थे इतना उनका
ध्यान था कि वो परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहे थे, बल्कि तभी उनके हाथ में बाइबल भी नहीं था पढ़ने के लिए. The Bible scholars who read the, who had the Bible with them, they were surprised how much he had the desire for God in his own life. जो पवित्र शास्त्र के जो पंडित थे उनकी बातचीत देखकर इतने चौंक गए कि परमेश्वर के वचन के बारे में इतना जानकारी छोटे. Because he had kept priority for God first in his life. क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहले स्थान पर रखा. Yes, Lord, I will read your word. हाँ प्रभु, आज मैं प्रभु के वचन को पढ़ूंगा. आज When we attempted to eat so much, he said, "No, first I will read the word of God, then I will eat my food." जब बहुत ही लुभावनी बात आई कि खाना खाए, तो तब उसने कहा कि मैं परमेश्वर के वचन को पहले पढ़ूंगा फिर खाना खाऊंगा. Even 5 minutes. 5 मिनट के लिए भी. You don't have time to pray before you go to sleep. Thank God and praise Him and pray for the people whom you know. और आपके पास अगर समय नहीं है तो क्या कीजिए, आपके सोने में जाने से पहले जो है प्रार्थना कीजिए जो आप. When we were young, we used to ask Brother Zach, Brother Zach, in Bombay the life is very busy. और कुछ लोग जो है भाई जैक से कहते हैं कि बॉम्बे की जो लाइफ जो है बहुत ही व्यस्त होती है. We have no time in the morning to sit because we are rush after work. हमारे पास सुबह बैठने के लिए समय नहीं होता है क्योंकि हमें काम में जाने की जल्दबाजी होती है. Brother Zach said, "You have 5 minutes here, 5 minutes there, standing at the bus stop, so going and sitting in the train, 10 minutes. Read the word of God, pray to God." भाई जैक ने कहा उनसे कि आपके पास 5-5 मिनट मिल जाता है जब बस में चढ़ते हो, ट्रेन में बैठते हो, जब भी आपको समय मिलता है तब परमेश्वर के वचन को. Instead of keep on worrying about the office work and then looking at this person and that person and what the other people are doing around you, let your focus be on God and the word of God and prayer. You'll find that you'll be filled with the Holy Spirit. इसके बजाय कि आप दफ्तर के बातों के बारे में सोचते बैठो, यहाँ इसको देखो उसको देखो, इसके बजाय परमेश्वर के वचन के बारे में. So many temptations will go far away from you. बहुत सारे प्रलोभन आपसे दूर हो जाएंगे. Jesus said the love of money is the root of all sorts of evil. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पैसों का प्रेम जो है सारे जड़ जड़ होता है पाप का. If I'm always thinking on money, money, money in my mind, this money thoughts will come upon into my mind. अगर हमेशा मैं पैसे के बारे में ही बार-बार सोचता रहूं, And I'll find it very difficult to get these thoughts out. और मुझे बहुत ही मुश्किल पड़ेगा कि मैं विचारों को मेरे दिमाग से निकाल के बाहर फेंकूं. And even if you think about all sexual things and pornography and all these, once it comes inside, it's very difficult to get out. और लैंगिक चीजों के बारे में भी अगर ज्यादा सोच विचार करने लगो, एक बार वो दिमाग में आ जाए तो उसको बाहर निकाल के फेंकना बहुत मुश्किल होता है. That is why better is to these weeds, so better to run away from it and you know try to avoid it completely. इसलिए ये जो जंगली झाड़ियां होती है That is why I told you once I was sitting among our doctors and they crack very dirty jokes. They don't know non-veg jokes. और मैं जो है डॉक्टरों के बीच में एक बार बैठा हुआ था, तो वो वहाँ पे जो है मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारी गंदी चीजों के बारे में हंसी मजाक करते हैं वो. And there are some people who are very experts at that. और कुछ लोग ऐसे होते हैं इसमें माहिर. When the Lord knew that one person had come into the room and the Holy Spirit tells us now, you leave the room. और प्रभु जानते हैं जब एक व्यक्ति रूम में आ जाता है तो पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि ये कमरा छोड़ के चले जाओ अब. No, but what we do, we reason, everything is nice, no, otherwise, just sort of delayed a little bit. हम क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है थोड़ा टाइम बैठ जाएंगे वहाँ पे बैठकर. Then he started cracking his dirty jokes. फिर वो गंदी गंदी मजाक उड़ाने लग जाता है वहाँ पे. I immediately left. और मैं पहले से उठ के चला गया वहाँ से. But I heard the joke. परंतु मैंने वो मजाक सुनी. And that those thoughts used to come to my mind very often. और वो जो विचार है बार बार मेरे दिमाग में आने लग गया बाद में. Sometimes it may be bad words, it may be sexually impure thoughts, some gossiping about somebody else. या तो फिर कोई किसी और के बारे में गपशप कर रहा था, या तो फिर जो गंदी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, गाली वगैरह दिमाग में आते. But the Lord told me, say, I told you to immediately, no, you did not leave immediately. देखिए फिर प्रभु ने मुझसे कहा तो मैंने कहा तो था जल्दी से यहाँ जाने के लिए, पर तुम जल्दी से यहाँ नहीं गए. And those thoughts used to come back to me very often. और वो जो सोच विचार है बार बार मेरे दिमाग में आने. Now after a long time, now I don't remember what those thoughts are. और बहुत लंबे समय के बाद मुझे याद भी नहीं कि वो सोच विचार क्या थे. So we have to be very careful about these type of bad weeds that come into our life. तो हमें बहुत ही सावधान सतर्क रहना चाहिए. We also tell our children, please don't go with these boys. They are telling all bad words and these things because if you hear these things, it will come into your mind. हम भी अपने बच्चों को कहते हैं कि देखो ये आपके जो दोस्त हैं उनके साथ मत गलत शब्दों से बातें करते हैं, आप वो सुनोगे तो ये सारी जो गंदी शब्द है from their mind also all the dirty words will come out. और फिर उनके दिमाग से भी सारे जो गंदे शब्द हैं वो बाहर निकलेंगे. That is why many of us believers also get angry and lose their temper
because they have never tried to throw away these things immediately. इसलिए विश्वासी भी क्या हो जाते हैं, जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें वो बाहर निकाल के फेंक नहीं पाए अब तक. And these are the things that really trouble our souls. So many believers, even including here in CFC, got so many weeds in our life. यही होता है जो सारे विश्वासियों के सीएफसी में बैठे हैं उनको भी सताते रहता है, उनके सारे मनो गाड़ियां बड़ी हैं. Psalm 1 says the righteous man and the godly man thinks about the Lord and his word day and night. भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है कि जो धार्मिक परमेश्वर का जन होता है परमेश्वर के वचनों के बारे में दिन रात मनन करते रहता है वो. How Lord, how should I behave in my office? How should I speak? And the Holy Spirit will show us. देखिए प्रभु जी मैं अपने दफ्तर में कैसे बर्ताव करूं, किस तरीके से मैं बातें करूं, how should I deal with money and how should I deal with this person who's harassing me, the Holy Spirit will always show us. पैसों का इस्तेमाल मैं कैसे करूं, ये जो मुझे सता रहे उसके साथ मैं व्यवहार कैसे करूं, जब हम प्रभु को पूछेंगे तो पवित्र आत्मा हमें बताएगा. The Holy Spirit is very practical. पवित्र आत्मा जो है बहुत ही अच्छे से बताता है सारा. How should I spend my time? Should I go there? Go this. The Holy Spirit will show us continuously, and we will be thinking how to please God in all our behavior. मेरे समय को मैं कैसे व्यतीत करूं? यहाँ पे जाऊं कि नहीं जाऊं? अगर लगातार जो है प्रभु के साथ ऐसे ही बोलते रहेंगे. That is why please stop all these watching serials on TV and all these horrible things, because these things will come into your mind over and over and over again. इसलिए TV में जो serials वगैरह है वो जो देखना जो है बंद कर दीजिए. जो भी आप दूसरी चीज बार बार आपके दिमाग में आती जाएंगी. And then God will not fill you with the Holy Spirit. There's no joy and peace and no thanksgiving to God. फिर परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर नहीं पाएंगे और आपके जीवन में शांति आनंद प्रेम नहीं होगा और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाएंगे आप. And the devil puts all these things and afterwards he'll come and condemn you. Why you are thinking all these bad things? How can you praise God in the meeting? और ये सारी चीजें शैतान आपके दिमाग में डाल भी देगा और बाद में आप कि ये सारी गंदी चीजें तुम देखते हो फिर भी परमेश्वर की स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा करते हो. So start today and try to avoid it and throw all this kachra out. और आज से आप शुरू कीजिए ये सारी गंदगी है बाहर निकाल के फेंक दीजिए. Such people will not bear the fruit of the spirit. ऐसे लोगों में जो है आत्मा का फल जो है उत्पन्न नहीं होगा. There's no fruit coming. He's just coming for the meetings and going, but no joy and no peace and no love in our heart. वहाँ पे कोई भी फल नहीं होगा. कलीसिया में आके जा तो रहे हैं परंतु आत्मा का फल शांति आनंद प्रेम. Jesus talks about the fourth type of seed that fell on good ground. और यीशु मसीह ने चौथे प्रकार के बीज के बारे में कहा जो कि अच्छी भूमि पर गिरी. You see that verse in Matthew chapter and Mark chapter 4. मरकुस 4 अध्याय में इस वचन को देखेंगे. Verse 20. 20वां वचन. But those who are the ones sown on good ground, those who hear the word, accept it and bear fruit, some 30-fold, some 60 and some 100. और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना. The ground is our heart. ये जो जमीन है हमारे हृदय है. And we must daily try to obey the Lord. हमें प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा को मानना है. I want to do what your will is, Lord. प्रभु आपकी जो इच्छा है वो मैं करना चाहता हूँ आज. I'm going to hear the word and do it. मैं परमेश्वर के वचनों को सुनूंगा और करूंगा. If other believers are not doing it, Lord, I will do it because you died for me. अगर दूसरे विश्वासी नहीं करते हैं प्रभु तो मैं करूंगा. With perseverance. और मैं धीरज के साथ बचाओगे. Every day, whatever happens or doesn't happen, I will follow the Lord. अब प्रतिदिन कुछ हो या ना हो फिर भी करूंगा. And they will get fruit in their life. और ऐसे लोगों के जीवन में फल होगा. Fruit of the Spirit, आत्मा का फल 30-fold, 10-fold, 20-fold, 30-fold, 40-fold, 60, 90, 100. और 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 80 गुना, 100 गुना. Psalm 1 says he will bear fruit in its due season. और भजन संहिता 1 कहता है कि हर एक काल में आपके अंदर फल होगा. Spiritually strong. आत्मिक रूप में बलवंत होंगे आप. And God will be pleased with your life. और परमेश्वर आपके जीवन से खुश होंगे. So God wants your life and my life to bear much fruit. और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे जीवन में आप It should be multiplied. और उसे बढ़ता जाना चाहिए. 2 times, 4 times, 10, 5 times, 10 times, 20 times, 30 times, 40 times, like that. और 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना और भी अधिक. 100 times up to some believers can come. और 100 गुना तक कोई विश्वासी पहुंच सकता है. Not because they are clever.
इसलिए नहीं कि वो बुद्धिमान है, नॉट बिकॉज दैट दे कुड प्रीच वेल, इसलिए नहीं कि वो अच्छे से प्रचार कर पाते हैं, बिकॉज दे वर फेथफुल, क्योंकि वो विश्वासी योग्य रहते हैं. व्हाटएवर गॉड टोल्ड देम गॉड दे ओबेड, और जो कुछ भी प्रभु ने उनसे कहा, दे सेड नो टू द वर्ल्ड, नो टू देयर ओन डिजायर्स एंड यस टू गॉड, उन्होंने दुनिया को ना कहा, खुद की अभिलाषा. I have to give an account to the Lord and you have to give an account to the Lord. एक दिन मुझे प्रभु को लेखा देना होगा और आपको भी प्रभु को देना होगा. Then I cannot give any excuses. तब मैं कोई बहाना नहीं दे पाऊंगा. Brother, you don't know my wife, you don't know my husband, whatever person he is. आप नहीं जानते भाई मेरे पत्नी कैसी है, पति कैसे है, किस प्रकार के व्यक्ति है वो. You don't know what a horrible boss I've got. आपको नहीं पता मेरे जो बॉस है वो कितने खतरनाक है. And what harassment I'm facing everywhere in my family. और मेरे परिवार में कितनी सतावट हो रही है मेरे साथ. The Lord will bring so many other people. See, these people had 10 times worse problems than you. Now they have got so higher. प्रभु जो है बाकी लोगों को आपके सामना खड़े करेंगे, सामने खड़े अधिक परेशानियां थी, फिर भी आज जो है प्रभु के सामने ईमानदारी से खड़े हैं वो. I tell the Lord, Lord, I have also wasted lot of time. मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु मैंने भी बहुत समय बर्बाद की है. I don't want to continue like that. मैं ऐसे लगातार जीना नहीं चाहता. I want to do my best serving you and loving you and serving, doing your work, whatever you tell me to do. प्रभु मैं आप जो भी कहेंगे उसमें करने में, आपके लिए कार्य करने में मैं जीना चाहता हूँ. And Jesus said, he will say, you did what you could. और यीशु फिर कहेंगे कि तुम्हें जितना हो सके तुमने अच्छे से किया है. Many people do not appreciate you, but I appreciate. बहुत सारे लोगों ने तुम्हें सराहा नहीं रहेगा, बट मैं तुम्हें सराहता हूँ. One day we will get lot of surprises when you go to heaven. एक दिन जब आप स्वर्ग में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें अचंभा करने मिलेंगी. It's not the big teachers and singers and all God will appreciate. God says, see that person, that housewife was there, that poor man was there. They were the faithful. Come. I will. You are exalted. प्रभु जब ऐसे लोगों को नहीं सराहेंगे जो बड़े बड़े जो गीत गाने वाले थे या प्रचार करने वाले थे, साधारण से लोग जो गृहणियां थी और गरीब से जो विश्वासी थे उनको प्रभु सराहेंगे और कहेंगे कि आओ ऊपर आओ आ जाओ. Yesterday the one brother read that from this verse from 1 Peter chapter 4. कल एक भाई ने पहला पत्रस चौथे अध्याय से वचन बांटा था. Verse 1 and 2. पहला और दूसरा वचन उसका. Therefore, since Christ has suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind. For he who has suffered in the flesh has ceased from sin, so that he may no longer live for the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but for the will of God. So, जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो. See, many times this Hindi translation is not very accurate. देखिए हर बार जो है हिंदी की जो भाषा होती है सही नहीं होती लिखा हुआ. Jesus suffered for us in the flesh. और यीशु मसीह ने दुख उठाया अपने शरीर में. That doesn't mean only on Calvary. इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ क्रूस पे उठाया उन्होंने दुख. From the day from his childhood, every day he suffered so many problems in his own life. और बचपन से लेके हर दिन अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट और क्लेश उठाते गए वो. And because of that, he endured so much pain and trouble. इसलिए उन्होंने बहुत सारे दुख दर्द है उसे सहा है. That is why he can be an example to us when we follow him. इसीलिए वो हमारे लिए उदाहरण हो. So we also should have the same mind. Yeah, the Lord has suffered for me every day. I am also going to suffer. यही मन हमारा भी होना चाहिए प्रतिदिन की. Because if I, Jesus never did wanted to do his own will. He only wanted to do God's will. प्रभु यीशु मसीह कदा भी अपनी इच्छा को करना नहीं चाहते थे, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को करना चाहते थे. If he was tired, he would say, Lord, I feel like sleeping more. But the Lord says, now it's time for you to get up and pray and do your work. और जब भी वो थक जाते थे, मन होता था कि ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा नींद ले, तो प्रभु कहते नहीं, अभी समय हो गया है, उठ जाओ, प्रार्थना करो, बैठ. I will give you the strength. मैं तुम्हें शक्ति दूंगा. Today in the morning I was not feeling like getting up. मुझे आज सुबह तो उठने का मन नहीं हो रहा था. I had a little body ache. मुझे थोड़ा दर्द हो रहा था शरीर में. Then I had to get up. फिर भी मुझे उठना था. And after some time the body couldn't even move. और कुछ समय के बाद शरीर में जो दर्द है वो गायब हो गया. We like to please ourselves. हम अपने आप को खुश करना चाहते हैं. Saturday and Sunday the maximum amount of sicknesses come on the believers. और शनिवार और रविवार को अधिकतर जो बीमारी विश्वासी को आती है. Headache comes, bad backache comes, leg pain comes, little feverish comes, little cold also will come. सर का दर्द शुरू हो जाता है, पेट का दर्द शुरू हो जाता है, पैर का घुटनों का दर्द हो जाता है, या तो फिर सर्दी खांसी हो जाती है.
टुडे आई विल रिलैक्स, आज मैं थोड़ा आराम करूंगा, आई विल वॉच ऑन जूम, मैं जूम में देखूंगा मीटिंग. See, if we try to please ourselves, we will not get closer to the Lord. देखिए अपने आप को हम खुश करते रहेंगे तो प्रभु के करीब नहीं आ पाएंगे. We think of the Apostle Paul, how much he suffered for the Lord. आप प्रेरित पौलुस के बारे में सोच सकते हैं कि प्रभु के लिए उन्होंने कितना क्लेश उठाया. Any beatings, and if you read that in 2 Corinthians, I'll be so shocked, Lord. What is? I'm living like a comfortable life in this world. दूसरे कुरिन्थियों में आप पढ़ोगे तो आप देखेंगे. He came from a very rich background, but he said, "Lord, I don't want all these things. Pleasure of this world, I like rubbish for me." वो इतने अमीर अवस्था से आए, फिर भी वो कहते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं दुनिया की जो सुख. If we want to please ourselves, we keep on sinning and sinning and sinning. देखिए हम अपने आप को ही खुश करते बैठेंगे तो क्या होगा कि हम. Why do I lose a temper so much? मैं जल्दी से गुस्से में क्यों आ जाता हूँ? Because I love myself. I love my pride. क्योंकि मैं अपने आप से प्रेम रखता हूँ अपने. I love so lots of the pleasures that I do. That's why I fall into all sorts of sexual sins. क्योंकि बहुत सारे जो है मजे की चीजें. So many pleasures all around us. हमारे आसपास बहुत सारे सुख विलास की बातें हैं. I want this, I want that, I want everything. मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए. This food is not up to the mark. ये खाना इतना अच्छा नहीं है. Too much less salt, too much more salt is not very tasty. Restaurant food is better. Allo, we will order from the hotel. कम नमक है, ज़्यादा नमक है, इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है. मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगा. Just suffer a little bit. थोड़ा बहुत दुख उठा लीजिए. Regarding food, God also taught me a lot of good lessons. और खाने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारी. Lord says, eat any food that is given before you. प्रभु कहते हैं कि जो भी खाना आपके सामने रखा हुआ है वो खा लीजिए आप. With thanksgiving. परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए. And then you'll be blessed. तब फिर आप आश्रित होंगे. When I was the hostel. जब मैं हॉस्टल में था. But many of my colleagues say, I cannot eat this food. Chapatis are so hard. और मेरे साथ में वो होने वाले कहते थे कि चपाती बहुत कड़क है, मैं नहीं खा पाते हम. The vegetables are tasteless. और जो सब्जियां होती है बिल्कुल स्वाद नहीं. We'll go to the hotel and eat. हम होटल में जाके खाएंगे. But the Lord, I was a believer. The Lord said, you go and eat. मैं एक विश्वासी था. प्रभु ने मुझसे कहा जाओ और खाओ. And he showed me an idea also. और उन्होंने मुझे एक सुझाव भी दिया खाने का. Go when the food is just about to be served, it's hot. और ऐसे समय पे जाओ जब खाना जो है गरम गरम होगा. Hot rotis, hot dal, hot vegetables. और गरम रोटी होगी, गरम दाल होगा, गरम सब्जी होगी. Then I found that was quite tasty. और मैंने फिर पाया कि बहुत ही स्वादिष्ट है वो. And I put on weight also. और मैं मोटा भी हो गया उससे. It's a wonderful thing. बहुत ही अच्छी बात हो गई. See, the Holy Spirit will show all the secrets in life. देखिए पवित्र आत्मा जीवन की हर एक रहस्य के बारे में बताता है. If you are willing to listen. अगर आप सुनने के लिए तैयार हो. Otherwise you'll be grumbling throughout your life. नहीं तो क्या होगा, दिन जीवन भर आप कुड़कुड़ाते. And we will stop sinning completely. और अब पाप करना ही छोड़ देंगे. You know, when we grumble, there is always complaining. This is not good. That is not good. This is not good enough for me. That is grumbling, grumbling, grumbling. The devil makes you grumble, and such people, grumblers, go to hell. और जो है हम जो है शिकायत करते रहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, कुड़कुड़ाते रहते हैं. शैतान जो है ऐसे लोगों को और उकसाता है कि कुड़कुड़ाई. He sang that song, "Why complain when you got so many good things?" और हमने इस गीत को भी गाया है कि शिकायत क्यों करना है जब बहुत सारी अच्छी चीजें हैं. I don't have proper clothes. मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं. There are many ladies who says, "I have no place in my cupboard to keep my clothes." अब बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो कहती हैं कि मेरे कबर्ड में जगह ही नहीं है कि कपड़े में रखूं. And I don't have anything to wear today also. और मेरे पास आज पहनने के लिए भी कुछ नहीं है. Such a lot of vanity is there, and they think high things about themselves. ऐसे बहुत सारे व्यर्थ की बातें हैं आज कि अपने बारे में ऊंचे सोच रखते हैं लोग. Because of that, God cannot use them at all. इसीलिए परमेश्वर उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाते. And they become the servants of the devil in the church. और शैतान के वो जो है सेवक बन जाते हैं कलीसिया में. Because of their pride and they're not willing to humble themselves. क्योंकि वो अपने आप को नम्र नहीं करना चाहते, घमंडी. It says verse 2 that they should no longer live for them the rest of the time in the flesh for the lusts of men but for the will of God. और दूसरे वचन में लिखा है ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की. See, the desires of men are so much in this world. We also have got the desires, but he said, "I am not going to focus on these things. I'm going to focus on the will of God." देखिए दुनिया में अभिलाषाएं बहुत ही हैं, मनुष्य की अभिलाषाएं बहुत ही हैं, परंतु हमें कहना है कि नहीं, मुझे इन चीजों में
नहीं देना है, मुझे परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना है। Then only I'll be a man of God. तभी मैं परमेश्वर का एक मनुष्य बन पाऊंगा। Otherwise, so many believers, they are the men of the world. नहीं तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे विश्वासी जो है दुनिया के मनुष्य बन जाते हैं। They spend their money according to the worldly ways. और दुनियादारी में ही पैसों को खर्चा करते हैं। They eat and drink and live like the worldly people. और वो खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ दुनियादारी दुनिया के लोगों के जैसा। And they say that you are believers and come to CFC. और वो कहते हैं कि मैं एक विश्वासी हूँ और सीएफसी में आते भी हैं। But they're keeping on sinning and keeping on sinning. परंतु वो पाप ही पाप करते जा रहे हैं। The Lord says, you must deny these desires which take you away from God. और प्रभु कहते हैं कि ये सारी अभिलाषाओं को आपको अलग कर रहा है। Whatever God has given me, I'm happy with it. प्रभु ने जो कुछ भी मुझे दिया है उसमें मैं खुश हूँ। I want to dwell in the presence of God all the days of my life. मेरे जीवन के हर दिन में प्रभु की उपस्थिति में वास जाता हूं। Like the psalmist David said, जैसे कि भजनकार दाऊद कहता है, the wonderful thing in the New Testament covenant is that we have got the Holy Spirit to help us. सबसे अच्छी बात नई वाचा का ये है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है। So Holy Spirit, please help me. हम कहेंगे कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए। I've got a short time to live on this world. I want to live for you. मेरी दुनिया में बहुत ही कम समय मेरे पास जीने के लिए। Doesn't matter their little troubles, but Lord, I thank you, Lord, for all eternity. I will give thanks and praise to you. कोई बात नहीं प्रभु, बहुत सारी थोड़ी बहुत कर तक तक कुस्तुति प्रशंसा महिमा करूंगा। Not only that, in this or every day of my life, I'll be very, very happy in the Lord. और इतना ही नहीं, मेरे जीवन के हर This is the day the Lord has made. ये वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है। We may have a lot of troubles in our office, troubles in our work, but say, today, Lord, I want to live for you. हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। I'll be alive tomorrow whether I'll have an accident and die. मुझे नहीं पता कल मैं जिंदा रहूंगा या तो फिर कोई एक्सीडेंट। I want to make the best use of today. आज के दिन जो है मुझे उसका उत्तम इस्तेमाल करना। Today, Lord, please tell me what you want me to do. I don't want to live in sin. आज प्रभु आप मुझसे कहिए कि आज मैं आप क्या चाहते हो कि I'll tell you, it's like living in heaven. मैं कहूंगा आपसे कैसे आयोग की आप स्वर्ग के सामने